एक चीज और बता दूं, कल से डबल या ट्रिपल भीड़ होने वाली है इस वक्त। भीड़ कम होने की जगह बढ़ते ही चले जा रही है, बढ़ते ही चले जा रही है। इतनी क्रेजी पब्लिक मैंने आज तक पूरे इंडिया में कहीं नहीं देखी भाई। अलग ही मजा है यहाँ पे, अलग ही जोश है लोगों की। ड्रेस देखो कुछ डिफरेंट है, बहुत प्रिटी दिख रही है। इन लोगों ने ना दिल्ली की लड़कियां फेल कर दी, बहुत ज्यादा बढ़िया लग रही है सीरियसली। कुछ नई ऑडियंस हमारी वीडियो पे आई होगी, उन लोगों के लिए मैं बता दूं, मैं ना पूरा देश घूम रहा हूँ, ट्रैवल ब्लॉगर हूँ। हर जगह पे जहाँ जहाँ पे इवेंट होता है ना वहाँ पहुँच जाता हूँ और अच्छा अच्छा कल्चर दिखाता हूँ अपने देश का। अगर आप भी इस चीज़ के लिए इंटरेस्टेड हो तो नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा दो और कुछ लोगों को भेज दो, जो घर वाले वो भी देख लेंगे घर बैठे बैठे पूरा देश और पूरा कल्चर हमारे देश का। तो करो सब्सक्राइब और लाइक भी कर देना ध्यान। तो दोस्तों शाम के बज रहे हैं इस वक्त 7। मैं वैसे सुबह से उठा हुआ हूँ, मैं 2 बार चक्कर भी काट के आया, वीडियो भी बनाया, वीडियो अपलोड भी कर लिया। मतलब दिन में तो कुछ भी नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और अब वहां पे कुछ ना कुछ हो रहा होगा धमाकेदार, क्योंकि कल से भी तो डीजे लगे थे, बजाने नहीं दिए उन्होंने, नहीं तो क्राउड पूरा क्रेजी हो जाता है, खुशी से नाचता है, पूरा एक फेस्टिवल की तरह होता है ना। तो चलो आपको दिखाते हैं वहां पे क्या हो रहा है, अब चलते हैं। मैंने सुना वहां ड्रम ड्रम आ गए, ये भाई भी अपने साथ ही हमारे घर में रहते हैं, मस्त। चलो अभी हमें लेके जा रहे हैं घुमाने। अमर से जा रहा मैं चौक पे, चल रहे क्या? जाओ घूम के आओ। आज गाड़ी नहीं निकाली तुमने? नहीं, पंचर हो गई। चलो ठीक है। वैसे उस दिन उकर आया ना मैं, ये टाइम पे गई थी। हाँ सुबह से 10 गुना ज्यादा भीड़ है भाई, मतलब यहाँ तो पार्किंग दिन में खाली थी पर अब यहाँ पे स्पेस ही नहीं है बिल्कुल भी। एक चीज और बता दूं, कल से डबल या ट्रिपल भीड़ होने वाली है इस वक्त, क्योंकि इस वक्त लगभग सभी लोग तैयार होकर आ रखे हैं, सबने कुर्ता पजामा पहना मेरे तरह, सबका ऑरेंज वाला है, किसी किसी का येलो भी है, पर अपने पास येलो ऑरेंज नहीं था तो मैंने तो व्हाइट पहन लिया। पर कल मैंने भगवे रंग की शर्ट पहनी थी, बहुत अच्छी लग रही थी। ये अंदर अंदर की गलियों में ट्रैफिक है, मेन रोड पे ट्रैफिक नहीं है, मेन रोड तो बंद ही हो चुकी है। क्या बोलती पब्लिक? सो डीजे चालू हो चुका है, चलते हैं। भीड़ कम होने की जगह बढ़ते ही चले जा रही है, बढ़ते ही चले जा रही है और शाम को डबल ट्रिपल भीड़ होने वाली है। इतनी क्रेजी पब्लिक मैंने आज तक पूरे इंडिया में कहीं नहीं देखी भाई, अलग ही मजा है यहाँ पे, अलग ही जोश है लोगों को। महाराष्ट्रियन अटायर के साथ हूँ, मतलब जो लोग महाराष्ट्रियन अटायर पहनते हैं ना, जो लेडीज कपड़े पहनते हैं और जेंट्स पहनते हैं, ये तो बेसिकली कुर्ता वर्ता पहने हुए नॉर्मल जैसे मैंने ही पहना हुआ है, लेकिन इनकी ड्रेस देखो कुछ डिफरेंट है, बहुत प्रिटी दिख रही है। इन लोगों ने ना दिल्ली की लड़कियां फेल कर दी, बहुत ज्यादा बढ़िया लग रही है सीरियसली। लड़कियों के ग्रुप एरिया में आ चुके हैं जहाँ पे डांस हो रहा है, यहाँ पे तो डांस कर भी पा रहे हैं, पीछे तो डांस कर भी नहीं सकते और यहाँ से लड़कों को बाहर बाहर निकाल दे रहे हैं, पर हमारी किस्मत काफी अच्छी है, पब्लिक हेल्प कर देती है हमें। लड़के तेरा घर जाएगा इसमें, तेरा घर इसमें चले जाएगा पूरा ट्यूसडे।
और इसी के बाद जस्ट एज डांस हुआ, वो भी एक छोटी सी बच्चे ने किया, बहुत ही खूबसूरत। आपली छोटी भगिनी अक्षदा राजा आला या गाण्यावर परफॉर्म करणार आहे, तर आपण ताळ्याच्या गजरामध्ये तिला प्रतिसाद द्यायचा सर्वांनी। सॉन्ग प्ले करा। छोटा सा क्यूट सा बच्चा दिखा और इसे स्टेज देखनी थी पर इसे दिख नहीं पा रही थी क्योंकि सब लोग बहुत हाइटेड थे और ये बहुत मुश्किल से देख पा रहा था। बहुत क्यूट था ये बच्चा। उसके बाद मैंने कुछ नए फ्रेंड्स बनाए जिन लोगों ने ट्रेडिशनल ड्रेस पहन रखी थी महाराष्ट्रियन। बड़ा मजा आया इनके साथ डांस करके। देखो हिल भी पा रहे थे, डांस भी कर पा रहे थे। जैसे ही लड़कों के एरिया में घुसे ना, हिलना तो छोड़ो, ऐसे लग रहा था जैसे धक्का मार के अलग अलग साइड में भेज रहे थे। भाई क्या हुआ था जब हम वापस निकले, जगह भी थी थोड़ी सी? नहीं थी। बिल्कुल हालत खराब हो गई थी भाई। जिस चीज का मुझे बहुत देर से इंतजार था ना, वो टाइम आ ही गया। दौर आ गया महाराष्ट्रियन। मैं जा रहा था वापस अंदर थोड़ा आराम करने के लिए, थक गया था, बहुत ज्यादा डांस कर लिया था, अब आ गया भाई। दौर देखना जरूर।
ताशा, सो ये है ढोल और ये ना घंटा, दो चीजों का मिलके बज रहा है और बहुत सही लग रहा है। यूनिक था लेकिन बेस्ट था। अभी आ चुका मैं नवीन भाई के ऑफिस और जेन्युइनली था ना, पूरी अंदर से हिम्मत और जान सब ड्रेन हो चुकी है, सारी खत्म हो चुकी है। पानी पीते हैं फिर वापस जोश भरते हैं फिर चलेंगे। भाई ऐसा ग्रैंड सेलिब्रेशन मैंने आज तक अपनी लाइफ में देखा, मतलब बहुत घुमा हूं मैं लेकिन ये कुछ अलग था और बहुत बढ़िया था। अगर कभी मौका मिले आपको, मतलब 19 फरवरी को आप अगर फ्री हो और महाराष्ट्र आ सकते हो तो जरूर अटेंड करना भाई, छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती जरूर अटेंड करना। सो वहाँ गोलगप्पे बट रहे हैं पर अपनी जिंदगी मस्त है, अपने पास से यहाँ पे आते हैं गोलगप्पे। मस्त टेस्ट है। चलते हैं दोस्तों घर की तरफ। भाई पूरी एनर्जी खत्म हो गई, मैंने हिम्मत भी करी वापस जाने के लिए लेकिन कुछ खास नहीं हो रहा था, वही सब हो रहा था जो पहले हो रहा था, तो मैंने सोचा चलो वापस चलते हैं। एक बात तो यार सलूट है यहाँ की पुलिस को, उन लोगों ने सब कुछ हैंडल कर रखा है, नहीं तो हाल लड़ाइयाँ हो जाए। क्योंकि बहुत सारे लोग एक साथ डांस कर रहे थे, आपस में लड़ भी जा रहे थे, तो उस वजह से उसे संभालने के लिए कोई ना कोई होना जरूरी है। कोई झंडा घुमा रहा था, कोई कुछ कर रहा था, उससे भी चोट लग सकती थी किसी की, तो न्यूसेंस कुछ ना हो उसके लिए पुलिस पूरी प्रोटेक्शन के साथ खड़ी हुई थी। घर लौट के आ चुका हूँ भाई, मेरे ना बिल्कुल मतलब थर्ड क्लास हाल हो चुका है, घर मुझे इम्पोर्टेंस नहीं जाती बिल्कुल भी, जैसे मुझे देख लिया जरा एक्शन सारे बंद कर दिए जाते हैं, बड़ी दिक्कत है। अभी हम बाहर जा रहे हैं आइसक्रीम खाने बढ़िया सी। सो एक बेईमानी हो चुकी है भाई, आइसक्रीम घर ही आ चुकी है, पर एक गुड न्यूज भी है, अपन को हुगो बॉस का परफ्यूम मिला बढ़िया वाला, घर वालों ने दिया है। और एक चीज भाई, अभी अभी मेरे पास ना बहुत सारी वीडियोस आई जो आगरा में सेलिब्रेशन हो रहा है छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती का, तो वो सारे वीडियोस भी देखो, बहुत मस्त हो रहा है। ये हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है कि रेड फोर्ट पे छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए कोई फंक्शन हुआ है वहां पे, तो वीडियो को बिल्कुल भी मत करना, देखो वहां का वीडियो भी बढ़िया है, मस्त है। तो दोस्तों वीडियो को एंड कर देते हैं, मिलते हैं कल सुबह नए व्लॉग के साथ। वीडियो को ना लाइक जरूर करके जाना और चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आगे भी तो अच्छे अच्छे वीडियो आने हैं, नई नई जगह भी घुमानी है आपको बढ़िया बढ़िया वाली, और ऐसे ही और भी फेस्टिवल आने वाले हैं। शिव जयंती तो खत्म हो गई लेकिन देश में और भी अलग अलग जगह बची है घुमाने के लिए।